सबको पता है मेरा शोर मेरी प्रोटेक्शन के मेरे साथ होता है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। बावजूद उसका नाम बीच में डाल दिया इस केस में जानबूझ के, ताकि वो मेरे लिए पीछे ना आ सके। बदला लेने की इजी इजी रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहे, फोन करने की भी हद होती है। किसी को सपोर्ट करना इतना गुनाह है कि आप हमारी सिर्फ गलती ये है कि हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। आप टॉर्चर तो नहीं किया गया, टॉर्चर क्या होते हैं, मेंटल टॉर्चर होते हैं। शर्म करनी चाहिए जिन्होंने हम पे ये पर्चे बनाए। आप घर सीट के लाए और फिर आप कहते हैं पता चल रहा आपको, मैं कहूंगी आप बहुत बकरे थे, उससे बेहतर आप वीडियो एविडेंस दें। जो हमने तोड़फोड़ किया ना उसका वीडियो एविडेंस, एक सानिया को इस्तेमाल ना करें अपने सियासी इंतकाम लेने के लिए। और वो जो जिन गालियों का बार बार जिक्र करते हैं, तो जब 35 लोग मिलकर किसी लड़की को मारते हैं तो खवातीन गालियां ही देती हैं, वो गालियां मार खाने के बाद दी। अब बम लेके तो हाथ में नहीं फेर रहे थे ना, गालियां ही दे सकते थे। इधर आ तैबा, ये वकील है हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। सनम बात सुनिएगा, इनकी बात सुने, वकील है हमारे। मेरा मोबाइल वायरल हो गया, फिर खा गया। पच्चीस दिन बाद मिल रहे हैं घर वालों से, तो मिलने दे, इतना तो हक है, इतना हक तो हम सबको देते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, इतना तो रहम करते हैं हम लोगों को। आपके गम में नहीं, अब देखिए कितनी ज्यादा है कि सबको पता है मेरा शोर मेरी प्रोटेक्शन के मेरे साथ होता है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। बावजूद उसका नाम बीच में डाल दिया इस केस में जानबूझ के, ताकि वो मेरे लिए पीछे ना आ सके। बदला लेने की इजी इजी रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहे, फोन करने की भी हद होती है। किसी को सपोर्ट करना इतना गुनाह है कि आप अगर हमारी सिर्फ गलती ये है कि हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। टॉर्चर तो नहीं किया गया, टॉर्चर क्या होते हैं, मेंटल टॉर्चर होते हैं। शर्म करनी चाहिए जिन्होंने हम पे ये पर्चे बनाए। आप घर सीट के लाए पता चल रहा आपको, मैं कहूँगी आप बहुत बकरे थे, उससे बेहतर आप वीडियो एविडेंस दें। जो हमने तोड़फोड़ किया ना उसका वीडियो एविडेंस, एक सानिया को इस्तेमाल ना करें अपने सियासी इंतकाम लेने के लिए। और वो जो जिन गालियों का बार बार जिक्र करते हैं, तो जब 35 लोग मिलकर किसी लड़की को मारते हैं तो खवातीन गालियां ही देती हैं, वो गालियां मार खाने के बाद दी। अब बम लेके तो हाथ में नहीं फेर रहे थे ना, गालियां ही दे सकते थे। की जरूरत नहीं है, ये होती है उन्हें बताए पार्लियामेंट की तोहीन, ये होती है एक एमएलए की तोहीन, पार्लियामेंट की तोहीन, ये होती है और सबको जाने बताए जिसके लिए कानून पास करें। मैं नाज़रीन हम आपको चले जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इरम से बात कर रहा हूँ।